जी हम दर लेते भाई हमारे हाँ कल शुरू करें हो गए। कल हमारा एएमसी एरिया में एक स्पेशल ऑपरेशन था, तो वो इसमें एक हमको सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिला था कि एक आदमी जिसका घर है एडी नगर पीएस के अंदर और उसका दुकान है बत्तला में, ये आदमी अपना कंट्राबैंड आइटम्स भेज रहे हैं, एनडीपीएस आर्टिकल्स भेज रहे करके सीक्रेट इन्फॉर्मेशन आया था हमारे पास, पक्का इन्फॉर्मेशन। इसके हिसाब से हम लोग दो टीम बनाए गए थे, तो एक टीम एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में जो बत्तला मार्केट में गए थे उसको दुकान रेड करने के लिए, और दूसरा टीम एसडीपीओ आमतली के नेतृत्व में उसका आदमी का घर के अंदर घर के सर्च करने के लिए गए थे एडी नगर पीएस के अंदर। सर्च हम लोग साइमल्टेनियसली शुरू किए थे 10 बजे के सुबह में, और सर्च चला शाम को 5:30 बजे तक चला। इसमें जैसे हम लोग सर्च कर रहे थे पूरा जो वहाँ सर्च कंटिन्यूसली चलता रहा अलग अलग टीम के साइमल्टेनियसली, इसीलिए हिट किया गया था कि ताकि वो आदमी इधर उधर भाग ना जाए और कोई अगर उसके पास कुछ आइटम्स है तो वो कहीं बाहर छुपा ना जाए या फिर उसको वहाँ से एस्केप ना करे। तो इसके मुताबिक हम लोग इसमें बहुत खुशी है कि हमके तो बहुत अच्छा सीजर हुआ है कल, जिसे सीजर में हम लोगों को मिला है कि 13 ग्राम्स ऑफ ब्राउन शुगर जो एनडीपीएस आइटम है, और 150 यावा टैबलेट्स मिला है इसमें, और इसके अलावा भी जो एनडीपीएस में कवर नहीं होता है बट बांग्लादेश से इलीगली यहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया गया है, तो वो भी बहुत सारा टैबलेट्स और मिला गया, तो वो हम लोग कस्टम्स को हैंड ओवर कर चुके हैं, कस्टम्स वाले अलग सा केस ले रहे हैं। और इसके अलावा ये मिला है बतला ये दुकान के पास, और इसके अलावा कुछ कैश भी बांग्लादेशी कैश मिला था 44,808 रुपीज़ के पास। और जब हम लोग घर में सर्च कर रहे थे घर में भी बहुत सारा पैसा मिला है, तो वो पूरा घर का जो पैसा मिला है तो वो और दोनों का ये यहाँ पे बतला में जो मिला है सारा पैसा मिला के ये है 75,87,260 रुपीज़ का इंडियन करेंसी जो सीज हुआ है। ये है, ये बहुत अच्छा सीजर है, बहुत बड़ा सीजर है। इसके अलावा भी 572.9 ग्राम्स का गोल्ड भी मिला है उसके घर। तो जैसे हम लोग इसका हिस्ट्री है तो और इसका जो इंटेलिजेंस इनपुट से हमको ये पता चला है कि ये जो जितना भी ये पैसे का है मोस्ट प्रॉब्ली कि इसमें इसी का काम से वो कमाया होगा, तो इसलिए हम लोग इसको सीज करके फिर हम लोग कोर्ट में बेच चुके सर। ये एक सेकंड, तो मैं इसके अलावा भी ये स्पेशल ड्राइव चल रहा था डीजी सर के नेतृत्व में, जैसे सीएम सर भी बोल रहे हैं कि नशा मुक्त के लिए, तो फिर पूरा उसके हिसाब से हम लोग कर रहे थे। तो ये एएमसी एरिया में सदर और आमतली सब डिवीजन में ये चल रहा था, पैरेलली साइमल्टेनियसली हमारा एयरपोर्ट सब डिवीजन में भी ये चल रहा था कि एक जगह पे लगभग 12 बजे के आसपास, दोपहर 12 बजे के पास एक टाटा एस ट्रक को हम लोग डिटेन किए थे, तो डिटेन किए थे उसके अंदर मिला है 3,100 फेंसिडिल कफ सिरप मिला है। ये तीसरा टीम था जो एसडीपीओ एनसीसी के नेतृत्व में वहाँ पे जा रहे थे, तो ये एक ही दिन में तो तीन अलग अलग जगह पे हम लोग स्पेशली प्लान्ड सर्च मारे थे, तो इंटेलिजेंस इनपुट के हिसाब से, और इसमें 3,100 बॉटल्स ऑफ एस कफ सिरप मिला है, और हम लोग पूरा अक्यूज को हम लोग अभी इंट्रोगेट कर रहे हैं। नहीं, अभी जो केस जो मिला है तो केस में हम लोग इस अंडर सेक्शन 22B और 25 और 29 ऑफ एनडीपीएस एक्ट में लिया है इसको, तो इसमें जो भी हम लोगों को मिला है एनडीपीएस आइटम उसमें लिए केस, हम लोग केस लिया है जो एनडीपीएस का नहीं है लेकिन बाहर से इलीगली इम्पोर्टेड है, इलीगली ट्रांसपोर्टेड है, उसको कस्टम्स को दे दिया है, और इसके मुताबिक हम लोग जो इलीगली अमाउंट इतना कैश ज़्यादा मिला है घर पे, तो हम लोग आईटी डिपार्टमेंट को लिए भी इन्फॉर्म कर रहे हैं और एनफोर्समेंट डायरेक्ट ईडी को लिए भी हम लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं ताकि वो लोग भी अपना अपना प्रोसीडिंग शुरू। कितना मिला तक कैश? 75,87,260। सर ये जो इन्फॉर्मेशन मिला है हमारा स्टेट इंटेलिजेंस से ही मिला है, सेंट्रल एजेंसी का इसमें कोई रोल नहीं था, हम लोग उसको इन्फॉर्म किया, बल्कि तो उनका भी ये जिम्मेदारी है क्योंकि जैसे बांग्लादेशी करेंसी मिला है तो हो सकता है कि ये हवाला ऑपरेशन हो या फिर हुंडी का ऑपरेशन कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग उसको भी इन्फॉर्म किया। ऑपरेशन के दौरान अभी तक कितने लोगों को आपने डिटेन किया है? ऑपरेशन के दौरान ये जहाँ तक एसडीपीओ आमतली और सदर में जो साइमल्टेनियसली चला है जिसमें बांग्लादेशी का भी मिला, इसमें एक बंदे को आइडेंटिफाई अरेस्ट किया है हम लोग ऑन द स्पॉट उसको करके, और एयरपोर्ट के पीएस में जो हम लोग एस्कॉप किया पेंसिल किया है तो वो ट्रक से ड्राइवर भागा हुआ है, उसके लिए अभी हम लोग एनबीएस और सीडीआर लेके उसको हम लोग तुरंत अरेस्ट। सर जिसको डिटेन किया इसका नाम ये इसको हम लोग एक बंदे को अरेस्ट किया है समीर बनी, सन ऑफ सुकरंजन बनी।
सर आपने शायद अभी बोला कि बांग्लादेश से कुछ कॉन्ट्रावेंड आइटम्स भी इधर स्मगल हुआ एज पर द बीएसएफ द कॉन्ट्रावेंड्स आर बीइंग स्मगल्ड फ्रॉम त्रिपुरा टू बांग्लादेश सो आपका आप क्या ये बताना चाहते हैं कि लाइक नाउ कॉन्ट्रावेंड्स आर ऑल्सो स्टार्टेड स्मगलिंग फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया देखिए मैं वो आल्सो स्टार्टेड स्मगलिंग या फिर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उस डायरेक्शन में उसको मैं बोल नहीं सकता लेकिन जहाँ पे हमको ये मिला है ये सारा बांग्लादेशी मैन्युफैक्चर है तो बांग्लादेश अगर मैन्युफैक्चर है तो फिर हम लोग कस्टम्स वालों को हैंड ओवर किया है तो वो लोग अभी वेरीफाई करेंगे या ये या लीगली इम्पोर्ट किया था या फिर वो इलीगली उसको लेके आए तो उसके बाद में हमको ये पता चलेगा कि यार दोनों वे चल रहे हैं सर आपको क्या लगता है जिसको कोई लिंकेज मिल सकता है हो सकता है कि इसका लिंकेज हो इसीलिए हम लोग इंटरागेट कर रहे हैं इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम भी बनाया गया है ताकि इसको इन्वेस्टिगेशन में एक प्रॉपर तरफ से इन्वेस्टिगेशन चले और ऑल द कल्प्रिट्स को हम लोग पकड़ पाए सर टीम जो बनाया हम लोग एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में हमारा एडिशनल एसपी रूरल अमिताभ अलहे तो एसडीपीओ सदर एसडीपीओ आमदनी एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इस केस में सर आपने जो बोला है करेंसी मिला इंडियन करेंसी कितना और बांग्लादेशी करेंसी कितना मैंने आपको पहले ही बताया था फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं बता ही देता हूँ आपको 75,87,260 है जो इंडियन करेंसी का है और बांग्लादेशी करेंसी मिला है 44,808 सर जो टैबलेट्स वगैरह मिला था उस घर में सर्च करने के बाद तो उसका तो ड्रग लाइसेंस मिला आपको नहीं वो जो ड्रग लाइसेंस हमको कुछ नहीं मिला था इसीलिए हम लोग ड्रग वहाँ पे कस्टम्स वालों को भी हम लोग हैंड ओवर किया इनफैक्ट वो ड्रग लाइसेंस की दूर की बात है उसको जो इम्पोर्ट किया है बांग्लादेशी का उसका भी उसके पास ठीक तरह से पर्ची नहीं था तो इसीलिए हम लोग उसको जिस दुकान पे आपने छापा मारे थे उसको क्या सील किया गया नहीं अभी तो सीज करने का पावर तो हमारे पास नहीं होता है वो तो मजिस्ट्रेट का पावर होता है हम लोग रेकमेंड किया है कि ऐसे कर रहे हैं तो सीज किया जाए वो तो दैट विल बी टेकन एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अभी तो हम लोग सीज किया है उसको कोर्ट में हम लोग प्रस्तुत करेंगे उसके बाद जैसे कार्रवाई होगा एज पर हम लोग कार्रवाई शुरू आपने एक बार बोला था ब्राउन शुगर या टेबलेट मिला है तो वो क्या समिति के घर से निकला है तो वो नहीं वो शॉप से निकला है बतला के शॉप से हम लोग जब राइड कर रहे थे समीर बनिक के शॉप से समीर बनिक के ही शॉप से उनका एक शॉप है और एक गोडाउन भी था दोनों जगह पे सर्च किए थे हम लोग वहाँ पे सर बहुत दिन से ये स्मगलिंग चलता होगा वर्तमान में तो आपके नजदीक में पुलिस स्टेशन में कोई इसका जानकारी क्यों नहीं है सर देखिए ये हाइपोथेटिकल हो जाता है जब आप बोलोगे सर बहुत जगह से चल रहा है अभी तो बोलने का आसान होता है सर अभी भी बहुत जगह तो कोई किसी का मर्डर हो रहा है तो वैसा तो बोल नहीं सकते हम लोग जहाँ पे भी हमको इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहे हैं जहाँ पे भी हमको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है हम लोग सरप्राइज चेकिंग कर रहे हैं जैसे आपको कुछ दिन पहले भी आपने देखा होगा जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के साथ हम लोग जॉइंट राइड किए थे वो भी हमारा भी इंटेलिजेंस इनपुट का और ईडी से भी हम लोग मदद लिए थे तो जहाँ पे भी हम लोग इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे हैं तो हम लोग उसके तुरंत एक्शन कर रहे हैं इतना तो मैं आपको जरूर बता सर दिस नॉट द फर्स्ट टाइम द त्रिपुरा पुलिस कंडक्टेड रेड इन अक्रॉस द बस्तला बाजार रिगार्डिंग द कंट्री मेड लीगल एंड अदर इलीगल स्टफ्स बट वी कैन सी दिस बिजनेस आर स्टिल गोइंग ऑन नहीं सबसे पहले मैं आपका पहला स्टेटमेंट से कॉन्ट्रडिक्ट करना चाहता हूँ ये दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी हैव कंडक्टेड द राइड वी हैड कंडक्टेड द राइड सेवरल टाइम्स एंड एसडीपीओ सदर इज विद मी सो वी हैव कंडक्टेड ही हिमसेल्फ हैज कंडक्टेड सम ऑफ द राइड्स एंड ओसी हैज आल्सो कंडक्टेड देखिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर इट इज कंटिन्यूइंग कुड बी दैट इज वाई वी आर इन द प्रोसेस पुलिस इज इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एंड दैट इज वाई वी आर इन द प्रोसेस ऑफ डिटेक्टिंग द क्राइम जहाँ पे भी बाहर निकल के आ रहा है वी आर टेकिंग द चार्ज वी आर टेकिंग द एक्शन ऑन दैट